भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AIA ने 19 जुलाई को होलोंगी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे पर पहली उड़ान परीक्षण लैंडिंग की। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर के पास हवाई अड्डा 15 अगस्त से चालू होने के लिए तैयार है। अरुणाचल प्रदेश ऊंची उड़ान हम सभी के लिए गर्व का क्षण है, क्योंकि हम पहली उड़ान परीक्षण लैंडिंग के साथ होलोंगी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के संचालन के अपने प्रयासों में एक और मील का पत्थर पार करते हैं। माननीय PM श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मंत्री JM_सिंधिया जी को धन्यवाद। कुदोस टीम, मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने एक ट्विटर पोस्ट में कहा। राज्य के नागरिक उड्डयन मंत्री नाकप नालो ने दावा किया कि पायलटों ने परीक्षण लैंडिंग के बाद हवाई अड्डे पर रनवे और अन्य बुनियादी ढांचे की सराहना की। होलोंगी ईटानगर से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। वर्तमान में राज्य की राजधानी के आसपास कोई हवाई अड्डा नहीं है। सबसे नजदीकी असम के उत्तरी लखीमपुर जिले में लीलाबाड़ी हवाई अड्डा है, जो यहां से 80 किलोमीटर की दूरी पर है। AIA की पहली उड़ान परीक्षण लैंडिंग आज होलोंगी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे पर की गई। जैसा कि वादा किया गया था, हमने समय सीमा से पहले होलोंगी हवाई अड्डे को पूरा कर लिया है। यह 15 अगस्त 2022 को चालू हो जाएगा और यात्रियों के लिए उपलब्ध होगा। AIA द्वारा 645 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के साथ विकसित होलोंगी हवाई अड्डा व्यस्त समय के दौरान 200 यात्रियों को समायोजित कर सकता है। इसमें 8 चेक इन काउंटर हैं। इससे पहले परियोजना का पूरा करने का लक्ष्य, जिसकी नींव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी थी, इस साल नवंबर में थी। बाद में यह अगस्त तक बढ़ा। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AIA ने 19 जुलाई को होलोंगी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे पर पहली उड़ान परीक्षण लैंडिंग की। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर के पास हवाई अड्डा 15 अगस्त से चालू होने के लिए तैयार है। अरुणाचल प्रदेश ऊंची उड़ान हम सभी के लिए गर्व का क्षण है, क्योंकि हम पहली उड़ान परीक्षण लैंडिंग के साथ होलोंगी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के संचालन के अपने प्रयासों में एक और मील का पत्थर पार करते हैं। AIA माननीय PM श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मंत्री JM_सिंधिया जी को धन्यवाद। कुदोस टीम, मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने एक ट्विटर पोस्ट में कहा। राज्य के नागरिक उड्डयन मंत्री नाकप नालो ने दावा किया कि पायलटों ने परीक्षण लैंडिंग के बाद हवाई अड्डे पर रनवे और अन्य बुनियादी ढांचे की सराहना की। होलोंगी ईटानगर से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। वर्तमान में राज्य की राजधानी के आसपास कोई हवाई अड्डा नहीं है। सबसे नजदीकी असम के उत्तरी लखीमपुर जिले में लीलाबाड़ी हवाई अड्डा है, जो यहां से 80 किलोमीटर की दूरी पर है। AIA की पहली उड़ान परीक्षण लैंडिंग आज होलोंगी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे पर की गई। जैसा कि वादा किया गया था, हमने समय सीमा से पहले होलोंगी हवाई अड्डे को पूरा कर लिया है। यह 15 अगस्त 2022 को चालू हो जाएगा और यात्रियों के लिए उपलब्ध होगा। AIA द्वारा 645 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के साथ विकसित होलोंगी हवाई अड्डा व्यस्त समय के दौरान 200 यात्रियों को समायोजित कर सकता है। इसमें 8 चेक इन काउंटर हैं। इससे पहले परियोजना का पूरा करने का लक्ष्य, जिसकी नींव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी थी, इस साल नवंबर में थी।